हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे थे हम लोग, और उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था वैदिक एज के बारे में। इस वैदिक एज में हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल्ड और काफी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने सारे वेदास के बारे में पढ़ा था। देन वी टॉक्ड अबाउट ब्रह्मास एंड देन अरण्यकास एंड वॉट उपनिषद, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड डिस्कशन किया था और इसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में देखा था। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। समटाइम्स अ क्वेश्चन, अ कपल ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। सो इस वजह से आपको ये सारा का सारा याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं वैदिक एज के कुछ और भी छोटी मोटी चीजें, लाइक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देखेंगे क्या कुछ था वहां पर, बहुत सारी चीजें अगेन डिस्कस करने को है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट, लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज किया जाए व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लासेस। तो हम लोगों ने सबसे पहले वेदास के बारे में बात किया था, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ये चार टाइप के वेद होते हैं, जिसमें से जो ऋग्वेद थी, दीज वर बेसिकली सब कुछ इसमें मंत्र और चैंटिंग से रिलेटेड है, और ये बेसिकली जो है पूजा पाठ करने के काम में आती है। सामवेद ये म्यूजिक के से रिलेटेड है और इसमें पोएट्रीज के फॉर्मेट में लिखी गई है। यजुर्वेद में अगर आ जाए प्रोज एंड पोएट्री दोनों ही है, एंड दिस इज बेसिकली बुक ऑफ प्रेयर्स। अथर्ववेद में ये ब्लैक मैजिक और मेडिसिन के बारे में है। तो मेडिसिन जनरली लोग भूल जाते हैं, दे डू नॉट कोट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि यहाँ पर मेडिसिन के भी बारे में लिखा गया है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि वेद को कंपाइल किया गया था महर्षि द्वैपायन के द्वारा, जिनको वेद व्यास भी कहते हैं। इस वेद को समझने के लिए, बिकॉज ये काफी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो इसके लिए हम लोग ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग ऋग्वेद के बारे में चर्चा किया हुआ था, और यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में देखा था। इसमें हम लोगों ने मंडल्स के बारे में देखा था, मंडल के अलावा हम लोगों ने इसके जो सब टॉपिक्स है, एक तरीके से कह लीजिए कि जो सूक्त है, और साथ ही साथ जो इसके अंदर में फ्रेजेस है, उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि मंडल नंबर 2-7 जो था वो गोत्र मंडल से रिलेटेड है, और जिसमें जो सबसे नया है, न्यूएस्ट जो है, वो है बेसिकली मंडल नंबर 10, जिसमें कि पुरुष शुक्ति और वर्ण व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर हम लोगों ने यामवेद के बारे में वर्णन किया था, जहां पर 7 टाइप ऑफ म्यूजिक स्वर के बारे में बात की गई है, और इसमें मेलोडीज और चैंटिंग्स के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने यजुर्वेद में, यजुर्वेद के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और फिर लास्टली हम लोगों ने अथर्ववेद के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने एक पूरा का पूरा एक फिगर देखी थी, जहां पर हम लोगों ने वेद, उससे रिलेटेड ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के बारे में डिस्कस किया था। इस उपनिषद में मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर बेसिकली 108 टाइप ऑफ उपनिषद आर देयर, बट वी हैव ओनली 12 इन आवर हैंड, और इस 12 में हम लोगों ने 12 के बारे में देख लिया था। इसमें कुछ स्टोरीज भी मैंने आप लोगों को बताई थी, लाइक आरुणि की स्टोरी वगैरह दिया था गया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो 10वां उपनिषद है, उसके जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भाष्य लिखी हुई है, मतलब ही वॉज द ओनली मैन हु कंपाइल दिस उपनिषद, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया था और किसी ने भी नहीं किया है। तो ये जो कह लीजिए स्लाइड है, ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोगों ने वैदिक लिटरेचर्स के बारे में बात किया हुआ था, जहां पर हम लोगों ने बाकी के जितने भी चीजें हैं उसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। श्रुति और संहिता के बारे में फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था, और फिर अल्टीमेटली जो है चार टाइप से कैटेगराइज करके हम लोगों ने ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक को डिस्कस किया था। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वैदिक सिविलाइजेशन पे फिर हम लोग आ गए थे, और इसके हम लोग फिर टेक्निकल डिटेल के बारे में शुरू कर दिए थे डिस्कस करना, लाइक कब ये आया, कैसे आया, कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं आयरन एज से, कैसे हम लोग अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को डिवाइड करते हैं। देन हम लोगों ने
इंडो आर्यन माइग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था और हम लोगों ने देखा था कि कई सारे लोगों का बहुत तरीके से अपना अपना कहना है, लाइक बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इसे अल्पाइन ओरिजिन का बोला था और आर्कटिक से आया हुआ माना था। सिमिलरली दयानंद सरस्वती तिब्बतन एरिया से माने थे। इसी तरीके से डीएस त्रिवेदी साहब थे, इन्होंने इसे सप्तर्षि प्रदेश अफगानिस्तान से माना था। और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा की बातें कही थी जिसको कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने लास्ट क्लास में। ये देखिए थोड़ा सा टॉपिक में भी इट लुक्स लाइक बोरिंग, बट वंस यू मेमोराइज ऑल द फैक्ट एंड जितनी भी चीजें हैं तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगना शुरू कर देगा। एटलीस्ट यू विल गेट अ फील कि हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री है व्हाट एग्जैक्टली इट वाज लाइक। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू नो ऑल दीज टॉपिक्स। इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी भी ओपन करेंगे तो यू विल गेट अ मोर ऑफ डिटेल्स लाइक दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास। फिर उसके बाद से हम लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन में देखा था कि 7 टाइप ऑफ रिवर्स वर देयर और उसके हम लोगों ने नाम भी देखे थे, जैसे सिंधु का नाम इंडस होता है, ब्यास का नाम विपाशा होता है, झेलम का नाम वितस्ता होता है और रवि का नाम पौरुषनी होती है, चेनाब अस्किनी और सतलज शतुद्री और सरस्वती का नाम घग्घर हम लोगों ने देखा हुआ था। ऑल दो यहाँ पर लिखा नहीं है बट यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था दिस वॉज द घग्घर, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक दशराग युद्ध दशराग वॉर भी देखा था जहां पर जो मंडल नंबर किसमें लिखा गया है, मंडल नंबर 7 ऑफ ऋग्वेदा में लिखा हुआ है और उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ विश्वामित्र को हटा दिया गया था, वशिष्ठ को रीअपॉइंट कर दिया गया था और इसके बाद से विश्वामित्र गुस्सा हो गए थे और 10 तरह के राजाओं को इकट्ठा करके अल्टीमेटली पौरुषनी नदी के पास में इकट्ठा होता है, अल्टीमेटली वॉर होती है, बट वहां पर जो राजा सुदस होता था वो जीत गया था और अल्टीमेटली इस तरीके से 10 राजाओं का जो वॉर है वो ऋग्वेद में लिख दिया गया था। नाउ वी आर कमिंग टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पहले हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद से सोशल स्ट्रक्चर और फिर अल्टीमेटली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे और फिर उसके बाद से हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर लेटर वैदिक एज से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक अगेन वो भी बोरिंग हो सकता है आपके लिए, बट अगेन वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। एंड देन वी विल स्टार्ट आवर हिस्टोरिकल वॉर्स, महाजनपद देखेंगे और फिर अल्टीमेटली हम मौर्यन डायनेस्टी एंड देन गुप्ता डायनेस्टी जितनी भी डायनेस्टीज है वी विल गेट इनटू दैट, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगेन मैं आप लोगों को एक बोर्ड टीचिंग कर दूंगा एंड देन वी विल लुक द व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन रिटन इनटू द स्लाइड। तो देखिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वैदिक के बारे में बात करें यहाँ पर तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ, लाइक इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वॉज अ अर्बन सिविलाइजेशन, जबकि वही जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन है वैदिक एज जो है ये एक रूरल सिविलाइजेशन है, ग्रामीण सभ्यता इसको बोली जाती है। अब आपको पता है कि अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि जो विलेजेस होते हैं ये विलेजेस काफी ज्यादा डिवाइडेड होते हैं। डिवाइडेड का मतलब ये अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए कि गांव है, गांव के अंतर्गत भी जो है वर्ल्ड व्यवस्था के आधार पर वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड सिस्टम जो हाउसेज होते हैं वो डिवाइड होते हैं। एक एरिया होता है जो एक टाइप के, जहां पर एक टाइप के वर्ल्ड वाले एक टाइप के जाति वाले रहते हैं, तो सेम यहां पर भी होता था। यहाँ पर जो हमारे पास अगर आज की डेट में प्रेजेंट केस में देखें तो वी हैव सबसे बॉटम लेवल पे हम लोग विलेज को देखते हैं, विलेज लेवल के ऊपर में तालुका हो जाती है, तालुका के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए कि समटाइम्स तहसील भी हो जाती है, बट यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज टाउन, टाउन के ऊपर में तहसील होती है, दिस इज तहसील, तहसील के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो जिला होता है जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में अगर आप बात करेंगे तो मंडल होता है, इस मंडल के ऊपर अगर बात करेंगे तो फिर स्टेट होती है, स्टेट के ऊपर बात करेंगे तो फिर नेशन या फिर कंट्री हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती है। तो ये तो हम हो गई हमारी आज के डेट की स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम लोग 3 लेयर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, वेयर वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, अनदर वन इज द स्टेट गवर्नमेंट और लास्टली हम लोगों ने थर्ड टीयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। पॉलिटी जब स्टार्ट करेंगे तो वी विल गेट इनटू दैट, जो भी डिटेल्स है उसके बारे में देखेंगे। वैदिक एज में अगर बात करें तो देखिए ये सिस्टम नहीं था, ये सिस्टम एक्चुअली वेस्टर्न है। हमारे यहाँ जो सिस्टम होता था वो सबसे नीचे अगेन वही
घर होती थी। घर का मतलब होता था कुल, दिस इज कुल। समटाइम्स आप लोग सुने होंगे कि कुल का नाश हो गया है, इस तरीके से कुल का नाम जो है खराब कर दिया इसने। तो ये बेसिकली कुल होती थी, जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि फैमिली हो गई, एक तरीके का फैमिली बोल सकते हैं, या फिर एक तरीके से इंडिविजुअल हाउस बोल सकते हैं, इंडिविजुअल हाउस। एक्चुअली होता क्या था, उस समय न्यूक्लियर फैमिली का कोई भी फंडा नहीं होता था। उस समय जितनी भी फैमिलीज होती थी वो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, और इस ज्वाइंट फैमिली के कारण से ही इसे कुल कहा जाता था। तो इट वॉज अ कुल, जो कुल का हेड होता था। हेड का मतलब कि घर में आपके जो भी बड़ा होता होगा वो हेड ऑफ द फैमिली बोला जाता है। तो इसे बोला जाता था कुलपति, ही वॉज द कुलपति। क्लियर। इसके ऊपर में जब कई सारे फैमिलीज हो जाएंगे, कई सारे हाउसेज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी अ विलेज। तो विलेज को विलेज नहीं, ग्राम बोला जाता था। अगेन ये जो है वो नाउन है, ध्यान में रखिएगा। तो इट इज नॉट अ हिंदी, इट इज नॉट अ इंग्लिश, इट इज एक्चुअली अ नाउन। तो यहां पर ग्राम बोला जाता था, और ग्राम में, ग्राम का मतलब वही विलेज हो गया, और यहां पर जो हेड होता था ग्राम का उसको ग्रामणी, दिस इज ग्रामणी, या फिर विलेज हेडमैन भी बोला जाता था। तो इस तरीके से यहां पर ये सिस्टम हो जाता था। विलेज के ऊपर में मतलब कई सारे विलेज को अगर मिला दिया जाए तो फिर होती थी विश, विश होती थी, और इसका जो हेडमैन होता था उसको विशपति बोला जाता था, और अल्टीमेटली विश के साथ में लास्टली बन जाता था जन, दिस इज एक्चुअली जन, या फिर इसी को बोला जाता था कबीला, दिस इज कबीला। ठीक है, तो ये बेसिकली बन जाता था यहां पर जो इसका हेड होता था उसको गोप बोला जाता था, या फिर इसको बोला जाता था जनस्थ, दिस इज जनस्थ, या फिर इसी को राजा या राजन भी बोला जाता था, या किंग भी आप बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है फोर पार्ट में हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी, जहां पर सबसे नीचे की फैमिली हो गई, देन गांव हो गया, गांव के बाद विश हो जाती है, फिर अल्टीमेटली कबीला हो जाता है। यहां पर देखिए कंट्री का कोई फंडा नहीं होता था, उसके पीछे रीजन था। देखिए यहां पर एक्चुअली क्या है कि जो वैदिक एज है, इस वैदिक एज में डिवाइडेड एरिया था। डिवाइडेड एरिया का मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि इंडिया है, तो इंडिया में लोगों को हर एक बंदा कनेक्टेड नहीं था, इट वॉज डिसकनेक्टेड। क्योंकि रूरल फैमिली है, तो रूरल फैमिली में क्या होता है, और ये एनिमल कह लीजिए कि एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, तो ये एनिमल हस्बेंड्री के कारण से ये बेसिकली पैस्टोरलिस्ट थे। तो दे वर पैस्टोरलिस्ट, और इस पैस्टोरलिस्ट होने के कारण से कभी भी एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी मेंटेन नहीं कर पाए थे। तो बिकॉज ऑफ दिस डिसकनेक्टिविटी यहां पर जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी, अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड थी, एंड द एरिया वॉज बेसिकली कबीला। और इस तरीके से डिफरेंट टाइप के कबीले हो जाते थे। लाइक हम लोगों ने बात किया था कभी दस राजगीयुद्ध, दस राजगीयुद्ध का मतलब क्या हो गया, यानी कि दस कबीले एटलीस्ट रहे होंगे राजा सुदास के चारों ओर में। तो इस वजह से अगेन वही कबीले जो थे वो डिवाइडेड फैमिलीज के फॉर्मेट में हुआ करते थे। तो ये बेसिकली जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये नॉर्थ इंडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये कीप इन माइंड कि हम लोग टोटल जितनी भी डिस्कशंस कर रहे हैं वो सारी की सारी नॉर्थ इंडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए क्या चीजें आगे। नाउ ये सिस्टम तो हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, एक और सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, वन सेकेंड, अभी पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा राजा मतलब सुप्रीम पावर कौन हो गया, सुप्रीम पावर हमारी निकल के आ जाती है कि कोई भी जो भी किंग होगा, जो राजा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सुप्रीम पावर है। अब ये सुप्रीम पावर आज की डेट में क्या होती है, सुप्रीम पावर आज की डेट में सुप्रीम पावर इज द प्रेसिडेंट, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। बट एक्चुअल रियल हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, पीएम होता है। अब पीएम के एक तरीके से डायरेक्शंस में ही प्रेसिडेंट काम करते हैं, बट पीएम किसके डायरेक्शन में काम करता है, पीएम काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डायरेक्शन में, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं बेसिकली वो लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा से आते हैं, होता है ना, एमपी होना चाहिए। तो सिमिलरली किंग भी यहां पर जो काम करता था वो चार लोगों के डायरेक्शंस में काम करता था, फोर ग्रुपिंग्स के डायरेक्शन में काम करता था। और वो फोर ग्रुप्स कौन कौन से थे, फोर ग्रुप्स में एक आती है जिसको बुलाता है सभा, तो इट वॉज सभा, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं काउंसिल। सिमिलरली समिति, दिस इज समिति, समिति का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि दिस इज
कमेटी एक तरीके से कह सकते हैं. तो दिस वॉज द कमेटी और ये हो गई सिस्टम. फिर होती थी विदत. तो एक होती थी विदत और विदत का मतलब होता था एक तरीके से, अगेन आप बोल सकते हैं कि इट वॉज द हाई क्लास ग्रुपिंग बोल सकते हैं. तो एक तरीके से आप ग्रुपिंग बोल सकते हैं इसे. और लास्टली आती थी जनम. ठीक है, तो जन आ जाती थी जहां पर जो होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल हुआ करते थे. जो सभा होती थी एक्चुअली, यहां पर इसको एक मिनट इरेज कर देता हूं मैं. जो सभा होती थी इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि हमारा एंशियंट हिस्ट्री है. सभा में ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि दिस इज लाइक लोकसभा. लोकसभा का मतलब यहाँ का जो चेयरमैन होता था, चेयरमैन बोल दीजिए या प्रेसिडेंट बोल दीजिए, चेयरमैन जो होता था उसको ईशान बोला जाता था. और ये जो है वो जो भी राजा है, जो भी किंग है, उसका इलेक्शन करता था, वो बताता था. ऑल्दो इलेक्शन मतलब राजा का जो पोस्ट होता था वो होने को तो उसी के कह लीजिए कि जो होता है डायनेस्टी में होती थी, उसी के वंश में होता था, उसी के परिवार का होता था. बट अगेन जो है ये मोनोपोलिस्टिक सिस्टम नहीं हो पाता था क्योंकि यहां पर राजा के हो सकता है कई सारे बेटे हुए और उसका चुनाव कैसे करना है. तो चुनाव इलेक्शन करने के लिए ये हमारी लोकसभा या फिर सभा हुआ करती थी. ऋग्वेद में इसका मेंशन भी मिलता है हमें, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितनी बार मिलता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मेंशन मिलता है. इसी तरीके से सभा होती थी द कमेटी थिंग. कमेटी थिंग एक तरीके से बोल सकते हैं इट इज लाइक राज्यसभा, जिसको कि आप लोग बोल सकते हैं कि दिस इज मैच्योर सभा. मैच्योर हुआ करते थे. मैच्योर होने का मतलब कि यहां पर जितने भी कह लीजिए एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स का मतलब हो गया जितने भी सीनियर पीपल है, सीनियर एज के पीपल है मतलब वृद्ध है. इसके अलावा जो भी हाई क्लास पर्सन है, इसके अलावा वुमेन इसमें पार्टिसिपेट करती थी. इनफैक्ट वुमेन जो है वो काउंसिल में भी पार्टिसिपेट करती थी और विदत में भी करती थी. तो यहां पर आप ध्यान में रखिएगा वुमेन, क्योंकि पोजीशन इनकी काफी अच्छी थी और यहां पर भी वुमेन हुआ करती थी. सिमिलरली यहां पर जो हमारी विदत के बारे में हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं कि विदत जो है क्या चीज है. विदत में सामाजिक मतलब कि जितने भी सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री वर्क होते हैं वो यहीं से एक तरीके से काम करते थे. तो दिस वॉज बेसिकली द सोशल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक जितने भी फंक्शंस होते थे वो यहीं से गवर्न हो रहे होते थे. अगेन इसका भी मेंशन ऋग्वेद में मिलता है. लास्टली हमारे पास आ जाती है जन. और इस जन में बेसिकली जितने भी कुलपतीज होते थे, तो जो कुलपतीज होते थे मतलब कि हेड ऑफ द फैमिलीज होते थे, वो लोग यहां पर आते थे. हेड ऑफ द फैमिलीज सीधी सी बात है, छोटी सी यूनिट है, छोटा सा कुल है, छोटा सा एक तरीके से कह लीजिए कि कबीला है. तो वहां पर इस तरीके से हम लोग काम करा सकते हैं. तो यहां पर अगर देखेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल सिस्टम वॉज वॉट. सिस्टम वॉज टॉप टू बॉटम अप्रोच ये लोग अपनाते थे. इसके अलावा जो सिस्टम था वो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, डिसेंट्रलाइज था. इसके अलावा ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट के साथ साथ अकाउंटेबल भी था. तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल सकती है. बट हम लोग ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन काफी छोटा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्मॉल. तो इतना कोई बहुत बड़ा यहाँ पर चक्कर नहीं पड़ता है. जब स्मॉल कोई भी चीज होती है तो उसको हैंडल कर पाना काफी आसान हो जाता है. तो ये तो ही हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में है. अगर हम लोग देखें इसमें, इस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जितने भी हाईएस्ट ऑफिशियल थे उनके बारे में, तो जो हाईएस्ट ऑफिशियल हुआ करते थे वो सबसे पहले तो आते थे प्रीस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुरोहित. आज भी जो है वो पुरोहित होते हैं. तो ये जो है वो रिलीजियस हेड होता था, रिलीजियस हेड. अभी हम लोगों ने देखा काफी ज्यादा यज्ञ कराते थे, पूजा पाठ करवाते थे, तो ही वॉज द रिलीजियस हेड या फिर प्रीस्ट हुआ करते थे. इसके अलावा मिलिट्री हेड हुआ करता था, मिलिट्री हेड. और मिलिट्री हेड को जो बोला जाता था वो बुलाता था सेनानी, सेनानी. इट इज अगेन नाउन. इसके अलावा एक होती थी जो कह लीजिए कि जो हमारा फोर्ट है, फोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता था. फोर्ट प्रोटेक्टर जो होता था उसको बोला जाता था पुरप. दिस इज अगेन पुरप. ये चीजें अगेन आप लोग लिख लीजिएगा, स्लाइड में नहीं लिखी हुई है. इसके अलावा लास्टली होती थी एक स्पाई वर्क के लिए, स्पाई होता था और स्पाई को बुलाता था स्पर्श. तो ये हो गया स्पर्श. तो स्पाई से स्पर्श हो गया, फोर्ट के प्रोटेक्टर के लिए पुरप हो गया. लाइक
कोई भी पुर है, लाइक गोरखपुर ही बात कर लेते हैं, तो दिस इज गोरखपुर, तो पुर इज बाय, लाइक पुर कहां से आया है आखिर में, पुर यहीं से आया है। देखिए पूरब मतलब कि गोरखपुर की अपनी एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के चारों ओर को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर वर पुरब्स, और उसी पुरब्स से पुर निकल करके आ गया है कि हाँ दिस इज द नाउ द बाउंड्री एंड गोरख इज द, जो भी हमारे सेंट थे साधु थे वो गोरख थे और उन्हीं के नाम पे गोरखपुर पड़ गया है अपने इलाके का नाम। चलिए खैर, तो यहाँ पर हमारी फिर उसके बाद सेनानी हो जाती है मिलिट्री वर्क के लिए, पुरोहित हो जाती है प्रीस्ट वर्क करने के लिए। अगर बात करें हम लोग सेना के रूप में कि इनका डिफेंस सिस्टम कैसा वर्क करता था, तो देखिए यहाँ पर वॉर वगैरह कुछ खास होती नहीं थी और वार न होने के कारण से इनकी परमानेंट आर्मी नहीं हुआ करती थी। जब भी जरूरत होती थी तुरंत के तुरंत जो होता है लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता था, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कंस्क्रिप्शन टाइप की चीजें यहां पर चलती थी, कंपल्सरी मिलिट्री सिस्टम चल रहा होता था। जब भी जरूरत होती थी तो तीन चीजें इकट्ठा की जाती थी, एक जो हमारी इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री या कह लीजिए कि जो पैदल वाले होते हैं, इसके अलावा एक होते हैं जो हॉर्स पावर होती है, घोड़ों को लिया जाता है, इसके अलावा जो होती है एक और लिया जाता था रथ सिस्टम, तो दिस वाज द रथ। तो इस तरीके से इस तीन फॉर्मेट में रखे जाते थे, वन वाज द चैरियट और इन्फेंट्री, ये बेसिकली दो हमारे पास इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम यूज किया जाता था, बट इट वॉज नॉट परमानेंट। क्लियर। टैक्स सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो टैक्स जो थी वो बेसिकली वॉलंटियर बेसिस पे थी, यहाँ पर जो है कोई परमानेंट टैक्स सिस्टम अवेलेबल नहीं था। जुडिशियरी और जस्टिस के बारे में बात करें तो जुडिशियरी अगेन ये कोई सिस्टम अलग से नहीं था, कोई बॉडी नहीं थी, सभा जो होती थी वही जुडिशियल वर्क भी कर रही होती थी, तो देख रही होती थी कि आखिर में क्या है, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन लिया जाता था वो ऑब्वियसली किसके द्वारा, वो राजा के द्वारा, किंग के द्वारा ही लिया जाता था। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज अ मोनार्कियल फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट विद अ किंग नोन एज राजन, पैट्रियार्कल फैमिलीज होती थी, जन वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट इन द ऋग्वेदिक टाइम्स, जो कि कुल से रिलेटेड था, जो कि अभी हम लोगों ने देखा सोशल ग्रुपिंग्स, जैसे कुल फैमिली हो गई, फिर ग्राम होती थी, फिर विश्व होता था और विश्व के बाद जन होती थी जिसको कि हम लोग कबीला भी बोल सकते हैं। ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी, ट्राइबल असेंबलीज का मतलब दिस इज नॉट समथिंग लाइक ट्राइबल्स, ट्राइबल्स का मतलब हो गया यहाँ पर पीपल से रिलेटेड है, तो दे वर कॉल्ड एज सभा एंड समिति। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स का नाम बता रहे हैं, किंगडम्स का मतलब वही हो गया जो हम लोग कबीले के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो किंगडम्स हैं, जैसे एक हो गया जो भरत है, और भरत में ही कौन से है, भरत में ही हम लोगों ने जो किंग सुदास है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, जहां पर वो 10 राजाओं के साथ में युद्ध लड़ा हुआ था, और ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आज की डेट में हरियाणा का क्षेत्र है वहीं पर ये फैला हुआ था। फिर मत्स्य है, मत्स्य जो होती है वो राजस्थान के पास में पड़ता था, इनफैक्ट राजस्थान नहीं मथुरा के पास में पड़ता था। फिर यादूज हो गया एंड पुरु हो गया, तो ये बेसिकली कुछ एटसेट्रा, बेसिकली ये कुछ यहाँ पर किंगडम्स के नाम यहाँ पर लिए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कबीले जो थे वो इस तरीके से फैले हुए थे। इसका आपको ज्यादा अच्छे से फील आएगा जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में महाजनपदास के बारे में बात करेंगे, तो आपको याद आएगा महाजनपदास एक्चुअली 16 टाइप ऑफ महाजनपदास थे, जिसमें से मत्स्य भी एक था। क्लियर हो गया, बहुत सारे हैं, हम लोग बात करेंगे वहां पर, वत्स है, अवंती है, मत्स्य है, और बहुत सारे इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे है, देखते हैं। चलिए खैर, द चीफ वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब और द जन एंड हाउएवर ही डिड नॉट पोजेस अनलिमिटेड पावर, मतलब जो किंग होता था उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती थी, ही वॉज टू रेकॉन द ट्राइबल असेंबलीज, सभा समिति विदत जन वॉज द ट्राइबल असेंबलीज ऑफ दीज विदत वॉज द ओल्डेस्ट। तो ये विदत के बारे में जो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो कह लीजिए कि प्रीस्ट क्लास थी, एक तरीके से हाइएस्ट क्लास थी, ये हुआ करती थी। द असेंबली एक्सरसाइज डेलिबरेटली मिलिट्री रिलीजियस फैक्शंस फंक्शंस जो है वो काम कर रही होती थी, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबलीज वर सभा एंड समिति, समिति वॉज जनरल नेचर एंड लेस एक्सक्लूसिव देन सभा, वुमेन जो है सभा और समिति सब में ही मतलब यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर रही होती थी। एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जो कौटिल्य साहब थे, कौटिल्य जिनको हम लोग चाणक्य भी जानते हैं, तो चाणक्य इन्होंने लिखी एक बुक जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र नाम से केवल ये इकोनॉमिक लग रहा है, अर्थ लग रहा है, बट इज एक्चुअली इट इज क्या, इट इज
पॉलिटिकल बुक, इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है, हाउ अ किंग शुड बी या फिर हाउ अ रूलर शुड बी, व्हाट शुड इट डू, ठीक है। जैसे भागवत गीता हमारी है, सेम वैसे ही अर्थशास्त्र भी है, ये बताया हुआ है कि क्या करना चाहिए किस सिस्टम पे, मतलब व्हाट अ रूलर शुड डू, ऐसा बताया गया है इसके बारे में। इनफैक्ट कौटिल्य कहते हैं कि देखिए यहां पर सभा और जो समिति है ये एक तरीके से दीज आर द टू डॉटर्स, ठीक है। तो ये कौटिल्य साहब का कहना है कि जो भी सभा एंड समिति आर द टू डॉटर्स ऑफ जो भी किंग है या फिर जो भी ट्राइब का हेडमैन है उसको कहा गया है। अ फ्यू नॉन मोनार्कियल स्टेट्स आर डिस्क्राइब्ड हुज हेड वॉज गणपति और जेस्ट। तो इस तरीके से जो है नॉन ट्राइबल नॉन मोनार्कियल स्टेट्स भी जन के रूप में होते थे। तो ये थी हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा सोशल स्ट्रक्चर के बारे में फटाफट देख लेते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारी जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड फॉर्मेट में थी, सोसाइटी डिवीजन था और ये डिवीजन बेसिकली अलग अलग किंगडम्स में था, अलग अलग तरीके से कबीले में हुआ करता था। इसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करती थी उस हाईएस्ट अथॉरिटी के बारे में हम लोगों ने देखा कि प्रीस्ट हुआ करते थे, प्रीस्ट के साथ साथ सेनानी हुआ करते थे और सेनानी के बाद अल्टीमेटली जो है यहाँ पर जन हुआ करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग लोगों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर था वो बेसिकली प्योरली वर्ण सिस्टम पर बेस्ड था। वर्ण सिस्टम का मतलब ये ऋग्वेद के, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के 10th मंडल में इसका एक्सप्लेन, मतलब 10th मंडल में इसके बारे में पता चलता है हमें। वर्ण सिस्टम जो थी वो बेसिकली वर्क बेस्ड था, वर्क बेस्ड, और इस वर्क बेस्ड का मतलब कि चार फॉर्मेट में चीजें थी, लाइक वन इज द ब्राह्मण, सेकेंड वन इज द क्षत्रिय, थर्ड वन इज द वैश्य एंड लास्ट वन इज द शूद्रास। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो माउथ है, जो मुंह है उससे ब्राह्मण निकले हुए हैं, जो जो हाथ है, भुजाएं हैं, उससे जो है क्षत्रिय निकले हुए हैं, जो थाइज है उनसे वैश्य निकले हैं, और अल्टीमेटली जो नाखून है, जो नेल्स है पैर की, उससे शूद्रास निकले हुए हैं। तो शूद्रास का काम बेसिकली हुआ करता था टॉप थ्री जितने भी हैं इनको एक तरीके से इनकी सर्विस करना विदाउट लुकिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो ये शूद्र का काम हुआ करता था, बट इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन वर्क बेस्ड। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एक टीवी सीरीज है, ऑब्वियसली वेब सीरीज है, और उसको आप लोग वॉच कर सकते हैं। द नेम ऑफ द वेब सीरीज इज लीला, इसको आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आर्यावर्त, व्हाट फ्यूचर ऑफ इंडिया और आर्यावर्त शुड बी, इस तरीके से बताया गया है। दिस इज प्योरली एक फंक्शन है, अ फिक्शन है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो लीला देख सकते हैं, वहां पर आपको ये आइडिया लग जाएगा इन चारों के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इसके बाद आ जाती है कि क्या सिस्टम है। हाँ, इसके बाद जो होती है दास सिस्टम हुआ करता था, यहां पर भी दास सिस्टम हुआ करते थे, बट दास जो थे वो जितने भी प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट के एक्चुअली सर्विस, प्रीस्ट की सेवा में लगे होते थे। लेकिन एक चीज है कि दास जो है वो एग्रीकल्चर का काम नहीं करते थे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर का काम ये नहीं करते थे, बाकी लोगों से एक्चुअली एग्रीकल्चर का काम करवाया जाता था, बट इनसे नहीं करवाया जाता था। अगर वुमेन की पोजीशन के बारे में बात करें तो वुमेन की पोजीशन बहुत ही अच्छी थी, बेहतरीन थी, गुड पोजीशन में था। यहाँ पर एक तरीके से सभा समिति और जो विदत है वहां पर ये पार्टिसिपेट करती थी, इनफैक्ट पार्टिसिपेट करती भी थी। साथ ही साथ में इनको उपनयन संस्कार का मतलब एक तरीके से है कि राइट टू एजुकेशन इनको ये अधिकार दिया गया था। उपनयन संस्कार इनका भी होता था और ये भी एजुकेशन में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती थी। अगर बात करें हम लोग मैरिज को लेकर के, तो मैरिज जो है वो बेसिकली कई तरीके की थी। जैसे यहाँ पर रीमैरिजेस भी हुआ करती थी, रीमैरिज। इसके अलावा अगर पॉलीगैमी हुआ करता था तो पॉलीएंड्री भी हुआ करता था। पॉलीएंड्री मतलब कि बहुपत्नी अगर हो सकती है, बहुत सारी पत्नियां हो सकती थी अगर किसी आदमी की, तो किसी महिला की बहुत सारे पति भी हो सकते थे। तो दोनों टाइप की शादियां हुआ करती थी। रीमैरिजेस भी हुआ करती थी, मतलब वीडियो टाइप का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। उसके अलावा
एक और चीज है, सपोज किसी महिला का हस्बैंड जो है वो मर गया, तो उसके बाद से एक दूसरे टाइप का शादी विवाह मतलब कि मैरिज हुआ करते हैं, जिसको बोलाता है लेवरेट मैरिज। दिस इज लेवरेट मैरिज। लेवरेट मैरिज को हिंदी में बोलते हैं नियोग विवाह। नियोग विवाह इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी किसी भी महिला का हस्बैंड अगर मान लीजिए सपोज डेथ हो जाती है, तो उसकी तो जो भी छोटा भाई रहता है मतलब इनका जो देवर हुआ एक तरीके से ब्रदर इन लॉ हुआ, उससे इनकी शादी करा दी जाती थी, उसी को बुलाता है नियोग विवाह या फिर लेवरेट सिस्टम, लेवरेट मैरिज। तो ये हुआ करती थी उस समय की सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट अगर मान लीजिए कि महिलाओं के बारे में बात करें, तो जैसे इंपॉर्टेंट जैसे है अपाला हो गई, लोपा मुद्रा हो गई। दिस इज मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे अपाला, लोपा मुद्रा, ठीक है, घोषा, दिस इज घोषा, एंड देन सिक्ता, इसके अलावा निवावरी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं इसमें अर्ली वैदिक एज की। लेटर वैदिक एज में जब बात करेंगे तो वहां पर अगेन गार्गी, मैत्रेय, सुभला, कात्यायनी और भी बहुत सारे लोग आएंगे। देखिए इनका नाम याद रखिएगा, बिकॉज समटाइम्स अ क्वेश्चन में बी आस्क्ड हु आर द वुमेन्स हु आर प्रोमिनेंट इन द अर्ली वैदिक एज, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम था। बाकी यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की पर्दा सिस्टम नहीं हुआ करता था। पर्दा सिस्टम के अलावा आपका जैसे दहेज का सिस्टम, डावरी सिस्टम नहीं हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार महिलाओं को भी दिया गया था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अगर जितने भी फूड हैबिट्स के बारे में बात करें, तो वेज नॉन वेज दोनों नहीं खाते थे, एक्चुअली वेज होते थे यहाँ पर, प्योरली वेज हुआ करते थे। और गाय को जो है वो मतलब अधन्या कहा गया है, मतलब उसे मारना नहीं चाहिए। तो इन सब के बारे में बड़ा बड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा पीडीएफ में देखते हैं क्या दिया गया है। तो वुमेन एंजॉयड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, दे वर अलाउड टू टेक पार्ट इन सभा एंड समितीज, एंड दे वर आल्सो, अच्छा कौन कौन थी इसमें, अपाला, लोपा मुद्रा, विश्वारा, घोषा, कैटल्स जो थे वो बेसिकली काउ जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मतलब इनफैक्ट काउ को मारने वाले को अघन्या बोला गया है। अघन्या मतलब कि उसको फिर मारा नहीं जा सकता है काउ को। मोनोगामी वाज प्रैक्टिस, बस पॉलीगामी वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड अमंग रॉयल एंड नोबल फैमिलीज, और इसके लिए हम लोगों ने देखा भी लेवरेट सिस्टम भी हुआ करता था। चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी। सोशल डिस्टिंक्शंस एग्जिस्टेड बट नॉट रिजिड एंड हेरिडेटरी। द वर्शिप नेचुरल फोर्सेज लाइक फायर हो गई, अर्थ हो गई, विंड, रेन, थंडर, इन सब के बारे में पूजा करते थे। और उसके लिए जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जितने भी जो डाइटीज हुआ करते थे वो इंद्र होते थे, जो कि अगेन थंडर के हैं। सिमिलरली पृथ्वी, अग्नि, वरुण, वायु, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंद्र को थंडर का देवता बोला गया, वरुण को रेन का देवता गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली क्या होती है, बारिश को ही मान लेते हैं इंद्र का देवता, नहीं, यहाँ पर डिफरेंट है, ध्यान में रखिएगा व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग हियर। और बाकी फीमेल डाइटीज के रूप में उषा और अदिति को लिया जाता था। उषा मतलब जो सन होती है ना, सन जब सेट हो रहा होता है तो उषा मॉर्निंग में उषा बोलते हैं, अदिति होती है शाम वाली। एंड देयर वर नो टेंपल्स एंड नो आइडल्स वर्शिप, तो ठीक है, तो ये चीज हो जाती है हमारी, जो सिस्टम हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जरा बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कितने ज्वेलरीज के बारे में क्या सिस्टम हुआ करता था। तो देखिए निष्क बोला जाता था, निष्क ये बोला जाता था गोल्ड को, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी जो नेकलेस हुआ करती थी, जो गले वगैरह में पहना जाता है, उसको बोलाता था रुक्म, तो दिस इज रुक्म, जो कि नेकलेस होती है। इसके अलावा अयस बोलाता था, ए वाई ए एस, अयस बोला जाता था किसको, अयस बोलाता था कॉपर को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों ज्वेलरीज के फॉर्मेट में यूज किया करती थी। बात करें अगर कि क्या आयरन था, ऑब्वियसली नहीं था, क्यों, क्योंकि आयरन के बाद ही तो इसे लेटर वेदिक एज में डिवाइड कर दिया गया था। तो यहां पर कह सकते हैं कि सिल्वर या फिर आयरन नहीं हुआ करता था। सिल्वर भी नहीं पाया गया है खैर, लेकिन आयरन भी नहीं होता था। इसके अलावा अगर बात करें, यहां पर मेन वर्क जो होता था वो एनिमल हस्बेंड्री थी। तो यहां पर एनिमल हस्बेंड्री हुआ करती थी, जिसमें भी मेनली काउज हुआ करते थे। इनफैक्ट जो है काउ को गौधन बोला गया है, दिस इज गौधन, और इसी में बार्टर ट्रेड होता था, मतलब गाय को लेकर के ही बार्टर ट्रेड हुआ करता था। गाय को लेकर के ही जो होती है, जितनी भी वॉर हुई है वो गाय को लेकर के हुई है, जिसको
गाविष्ठी भी बोलते हैं, दिस इज गाविष्ठी। ये ध्यान रखिएगा, ये वॉर के लिए है एंड गोधन इज बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है, दीज आर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसके अलावा बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट कह लीजिए एनिमल्स हुआ करते थे, गाय बिल्ली ये सब तो होते ही होते थे, और बाकी अगर एग्रीकल्चर वाइज बात करें तो होती थी बट उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता था, बाकी चीजों के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये मान लेते हैं कि कोई भी ह्यूमन है और इसने जो कपड़ा पहना है तो नीचे जो पहना होता था जैसे धोती वगैरह हो गई उसको बुलाता था नीवी, नीवी बोले जाता था जो नीचे पहना जाता है मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहनी जाती है, जो मिडिल पार्ट होती है उसको बुलाता था वास, और जो टॉप पे पहना जाता था उसको बुलाता था अधिवास, दिस इज अधिवास। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, समटाइम्स फैब्रिक और इस कपड़े वगैरह पे क्वेश्चन जो होती है वो पूछी जा सकती है। इसको फटाफट देख लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग रिटन हियर इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, दे वर पास्टोरलिस्ट एंड कैटल रियरिंग पीपल। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया थे, कैटल रियरिंग हो रही है, इसका मतलब है कि सम ऑफ द पीपल वर नॉन वेजिटेरियन, तो नॉन वेजिटेरियन भी कुछ लोग यहाँ पर हुआ करते थे, बट द सोसाइटी वॉज प्योरली वेज, दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर और प्रोडक्ट मेड ऑफ आउट कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ब्रॉन्ज वर इन यूज, आयरन नहीं होता था, कट कर दीजिएगा, आयरन इज नॉट हियर इन अर्ली वैदिक एज। दे हैड हॉर्स चैरियट्स, पता ही है आप लोगों को, वॉर के दौरान में यूज किया जाता था, रिवर्स वर यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट, कॉटन एंड वुलन फैब्रिक जो होते थे यूज किया जाते थे, इनिशियली ट्रेड वॉज कंडक्टेड थ्रू द बार्टर बट लेटर ऑन जो होती है वो कॉइन्स आ गई थी निश्क के फॉर्मेट में, लेकिन ये भी अगेन अर्ली वैदिक में नहीं हुआ था। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ओनली एंड ओनली गोधन वॉज देयर एंड ट्रेड वॉज प्योरली बार्टर सिस्टम के तरीके से होता था। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया सारी चीजों को, वैदिक एज हमारा खत्म हो जाता है। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू विद द बुक एनसीईआरटी, आप लोग देख सकते हैं एंशियंट इंडिया जो पुरानी वाली बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी उसको आप देख सकते हैं, ऑल्दो आपको कोई भी चीज नई नहीं मिलेगी बट हाँ बुक्स में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में लिखा गया है, तो इट विल बी लिटिल कोजी फॉर यू कि कैसे आप जो होता है चीजों को देख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, बट अगेन जो होता है आफ्टर दिस डिस्कशन आपका जो पढ़ने का जो तरीका होगा, जो समझने की अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होगा वो काफी ज्यादा बदल जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन दिस लेक्चर कंटिन्यूअसली, देखते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग इन चैनल्स का यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय बाय।